हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एम के मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा की सुपर हिट फिल्म, जिस फिल्म का नाम है दोस्तों दीवाना। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता ऋषि कपूर, दिव्या भारती, शाहरुख खान, अमरीश पुरी जैसे और बड़े स्टार भी आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, 25 जून 1992 को रिलीज हुई फिल्म दीवाना मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुँच जाए। बात की जाए दोस्तों राज कौर की डायरेक्टर में बनी फिल्म दीवाना, जो कि दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता ऋषि कपूर, दिव्या भारती अभिनेत्री और शाहरुख खान के साथ अमरीश पुरी भी अपने जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों फिल्म दीवाना मूवी में देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों फिल्म की पाठक कथा सागर सरहदी ने किया था और यह फिल्म की कहानी रणवीर पुष्प ने किए थे। फिल्म के उत्पादित यानी गुंडू धनवा, ललित कपूर, राज कोठारी जैसे इन्होंने मिलकर इस फिल्म का उत्पादित किया था। फिल्म की रिलीज 25 जून 1992 को रिलीज हुई और यह फिल्म का रनर टाइम 1:62 के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म दीवाना जो दोस्तों कहानी रणबीर कपूर के लिखे पुष्पा ने लिखी थी और गुंडू धनोआ, ललित कपूर, राज कोठारी ने मयंक आर्ट्स के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन दोस्तों छायांकन का संचालन हरमित सिंह ने की थी जबकि ए मुथु ने इसका संपादन किया था। नदीम सरवन की जोड़ी ने समीर के लिखे गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंडट्रैक तैयार किया था। फिल्म का मुहूर्त 14 जुलाई 1991 को हुआ था और 25 जून 1992 को अपने प्रीमियर पर दीवाना को अल्लूज को द्वारा खूब सराहा गया था और एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। दुनिया भर में लगभग 162 मिलियन यानी US$2.0 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। केवल दोस्तों बीटा से आगे निकल आया और साउंडट्रैक एल्बम चार्ट बस्टर सहित हुआ था और दोस्तों उसे अधिक सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया था। उद्योग में खान और भारती दोनों ही पकड़ मजबूत कर दी थी, लेकिन दोस्तों राज कौर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत में 38वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए थे और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण खान और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन भारती सहित 5 पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर नायक रवि आहूजा के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि दोस्तों दिव्या भारती अभिनेत्री काजल बेदी का रोल निभाई है। वहीं दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान राज सहाय के रूप में शाहरुख खान खलनायक से हीरो बन गए हैं और धर्मेंद्र प्रताप सिंह नरेंद्र के पिता प्रतिपक्षी के रूप में अमरीश पुरी अपना रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में रणवीर पुष्पा ने दीवाना की कहानी की कल्पना की थी और दोस्तों इसे खुश होकर गुड्डू धनोआ ने फिल्म को अपने प्रोडक्शन बैनर बैंक आर्टस के तहत बनाने का फैसला किया था। Rediff.com के दिए गए साक्षात्कार में राज कौर, जिन्होंने दोस्तों पहले मिस्टर इंडिया 1987 और घायल 1990 जैसे फिल्मों में शेखर कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, लेकिन दोस्तों उसने खुलासा किया कि दीवाना को निर्देशित करने के लिए धनोआ ने उनसे संपर्क किया था। उनके निर्देशन की पहली फिल्म ललित कपूर और राजू कठोरी ने धनोआ के साथ फिल्म का सह निर्माण किया था।
ऋषि कपूर अनुबंधित होने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन दोस्तों वह कवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन यानी US 13,000 का प्रशिक्षण किया था। नायिका के रूप में माधुरी दीक्षित राजकौर की पहली पसंद थी, लेकिन दोस्तों उनकी उपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण गुड्डू और धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर दिव्या भारती को चुना गया था। धनोआ ने भारती को समय की पाबंद कहकर संबोधित कर दिया था। कहा कि दोस्तों एक बार उन्होंने अपने कार से उतरने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दोस्तों वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कवर के मन में कई अभिनेता थे, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ में अरमान कोहली और सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। लेकिन दोस्तों कोहली ने इसके लिए कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी 1992 के सेट पर उनके और शबनम कपूर, ललित कपूर की पत्नी फिल्म के निर्माताओं में से एक है। इसी बीच दोस्तों गलतफहमी का हवाला देते हुए उन्होंने शूटिंग करने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान जो उस समय एक उतरते हुए कलाकार थे और वो अंत चुना गया था। कंवर को सर्कस और दिल दरिया में उनका अभिनय पसंद आया और इस तरह उन्होंने निर्माताओं को अपना नाम सुझाया और उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन 1992 की अपनी पूर्व प्रतिबिंबताओं के साथ फिल्म में काम किया था। यह उनकी दूसरी फिल्म थी जो दोस्तों उनकी पहली फिल्म थी और यह उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की थी। मुख्य फोटोग्राफी मुंबई और ऊटी में और उसके आसपास हुई, जिसका संचालन हरमित सिंह ने किया था। BS तरुण कुमार और कोरियोग्राफर थे, जबकि दोस्तों राम सेठी और हरीश सेठी एक्शन निर्देशक थे। लीना दारू ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया था और गाने ऊटी के विभिन्न स्थानों पर फिल्माए गए थे। जैसे दोस्तों का बाटनिकल गार्डन और ऊटी झील 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसका संपादन ए मुथु द्वारा किया गया था। फिल्म दीवाना की साउंडट्रैक एल्बम में नदीम सरवन नामक का एक जोड़ी रचित था, लेकिन दोस्तों 7 गाने हैं, समीर ने गीत लिखे हैं और कुमार सानू जो कि कपूर के लिए गायन और साधना सरगम अलका यानिक दोनों भारती के लिए गायक हैं। जो दोस्तों विनोद राठौर खान के लिए गायक किया था और इस एल्बम की 7 मिलियन से 8 मिलियन की यूनिट्स के बीच बिक्री हुई थी, जिसे दोस्तों यह 1992 का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम बन गया था। फ्लैटनेट बॉलीवुड द्वारा संकालित सभी समय के 100 महानतम बॉलीवुड और साउंडट्रैक की सूची में साउंडट्रैक और हैशटैग यानी 79 था, लेकिन दोस्तों News 18 ने ऐसी दीवानगी को दिव्या भारती के 5 यादगार गाने में से एक के रूप में शामिल किया गया था। और दोस्तों इसने उनकी उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने लोगों को उनकी धुन के साथ साथ उनका दीवाना बना दिया है। उनके साथ साथ दोस्तों उसे सहज सुंदरता भी शाहरुख खान के साथ आकर्षक अनएक्सीलेंट केमिस्ट्री ने एक फैक्टर्स को कई गुना बढ़ा दिया है और दोस्तों इसे एक आनंददायक घड़ी बना दिया। और रेडिफ ने इसे
10 अद्वित नदीम सर्वन गीतों में सूची किया गया है। यह फिल्म दोस्तों 25 जून 1992 को रिलीज हुई थी और इसे द पावर ऑफ लॉ टैगलाइन के साथ प्रचारित किया गया था। जबकि दोस्तों निर्देशक राज कौर की वितरकों के साथ फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में भाग लेने गए और तो थिएटर को खाली देखकर वह चौंक गए थे। लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने पाया कि इसमें ज़्यादातर कॉलेज के बच्चे शामिल थे और जिसे दोस्तों यह सुनिश्चित हो और उभरी फिल्म व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस पर इसके अनुसार इसने दुनिया भर में 140 मिलियन यानी US 1.8 मिलियन की सफल संग्रह किया था और दोस्तों बन गई साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म। केवल दोस्तों बीटा से आगे इसे 2020 की Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। रिलीज होने पर फिल्म दीवाना को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें दोस्तों इसकी सिनेमेटोग्राफी साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर भारतीय और खान के प्रमुख प्रशांत शामिल है। निकहत और कामजी ने 28 जून 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में फिल्म की समीक्षा प्रकाशित की थी जिसमें दोस्तों लिखा था कि खान की भूमिका घेसी पीटी है लेकिन दोस्तों वह एक नए जोश के साथ इसकी व्यवसाय करने में सक्षम थे। यह एक युवा व्यक्ति की पारंपरिक भूमिका में हवा की तरह उड़ते हैं और प्यार से ग्रस्त क्रोधित घृणित कोमल परिपक्व और बचकानी विद्रोही दीवाना एक नए प्रतिभा के आगमन का प्रतीक है। 31 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेखक की सिनेमेटोग्राफी और गाने को प्रशंसा की थी लेकिन दोस्तों इसकी कहानी की आलोचना की और जिसे उन्होंने नियमित मेलोड्रामा से अधिक कुछ नहीं है कहा गया कि लेखक ने कहा कि भारती की भूमिका सुंदर लेकिन दोस्तों पतली थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि खान की काफ़ी प्रभावशाली और एक पारंपरिक भूमिका में कुछ जान डाल देते हैं। तो दोस्तों एक सच्चा कलाकार में फिल्म की स्वयं और समीक्षा करते हुए खान ने कहा कि फिल्म का उनका प्रदर्शन भयानक जोरदार और अश्लील और नियंत्रित था लेकिन दोस्तों उन्होंने भयानक रूप से ओवर एक्टिंग की थी। उनके अनुसार फिल्म की सफलता में उनका कोई योगदान नहीं है और उन्होंने इसके लिए नदीम सरवन के संगीत को श्रेय दिया है। साथ ही दोस्तों कपूर और भारती के अभिनय की भी प्रशंसा की थी। हालांकि दोस्तों आधुनिक फिल्म समीक्षकों ने दीवाना की सराहना की और 2007 में लेखिका का अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को कच्चा और मेलोड्रामेटिक काम बताया था जिसमें दोस्तों खान का प्रदर्शन उतना ही जोरदार था और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति स्थापित किया था। फिल्मफेयर के रक्षित गुप्ता ने कहा कि दिव्या ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने में सहज लग रही है। उन्होंने दोस्तों शाहरुख खान की उम्मत और तीव्रता की भावना से भी मेल खाया और वह नुकसान से जूझ रही महिला का किरदार निभाने में बिल्कुल फिट बैठती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म दीवाना जो कि दोस्तों यह फिल्म काफी जबरदस्त बनी है जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों काफी पसंद किए थे। दीवाना प्रेम की केंद्रीयता
आधारित राज कौर की दिव्या भारती की भूमिका की तुलना अपनी अन्य फिल्मों जैसे लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996 और जुदाई 1997 में महिला भूमिकाओं में करते हुए देखा गया था। मजबूत महिला पत्र और या तो महिलाओं की दुर्दशा को चित्रित करते हैं और संबंधित अभिनेत्रियों की अभिनेता अभिनय क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म में खान के चरित्र के माध्यम से यह फिल्म भी दिखाया गया था कि दोस्तों प्यार में रहते हुए व्यक्ति कैसे जुनूनी हो जाते हैं और उन्होंने स्वयं इस बारे में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में एक फिल्म से मिले एक सबक के रूप में बात थी और दोस्तों थीमानंद उपाधि प्राप्त करने के लिए कई आलोचकों ने ऋषि कपूर की भूमिका की तुलना चांदनी 1989 से की थी, क्योंकि दोस्तों दोनों फिल्म में उन्होंने बलिदान देने वाले पति के रूप में चित्रित किया था। लेकिन दोस्तों दीवाना को विधवा और पुनर्विवाहित से सामाजिक कलंक पर आधारित सबसे शुरुआती भारतीय फिल्म में से एक माना जाता है। वही दोस्तों नदीम सरवन की जोड़ी द्वारा रचित फिल्म संगीत मोटिव पैटेनिक सफलता बन गया था और दिव्या भारती के प्रदर्शन को आलोचनात्मक सराहना मिली थी। फिल्म का शीर्षक उसका पर्याय बन गया था और यह फिल्म शाहरुख खान की पहली फिल्म होने के कारण भी उल्लेखनीय है। फिल्म के दूसरे भाग में सीमित स्क्रीनिंग उपस्थिति के बावजूद एक जुनूनी प्रेम के उनकी चित्रण ने उन्हें करियर में एक बड़ी सफलता दिलाई है। उन पर दोस्तों फिल्माया गया कोई ना कोई चाहिए धीरे धीरे लोकप्रियता हो गए थे। अशोक राज ने अपनी भूमिका का वर्णन एक छोटे शहर में आम आदमी के रूप में किया गया था, जो दोस्तों एक समुद्र जीवन शैली तक पहुंच पाने के लिए एक अमीर विधवा का पीछा करता है। इसके दोस्तों अतिरिक्त दीवाना को कई सूचियों में शामिल किया गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता दीवाना मूवी में अभिनेता ऋषि कपूर अभिनेत्री दिव्या भारती की जोड़ी दोस्तों काफी जच रही है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म की कथानक यानी दोस्तों एक खूबसूरत युवा महिला काजल को एक अमीर और सुंदर आदमी रवि से प्यार हो जाता है। उन्होंने रवि की माँ लक्ष्मी देवी की पुनः आशीर्वाद से खुशी खुशी शादी कर ली और रवि के लालची चाचा धर्मेंद्र और चचेरा भाई नगेंद्र यह सुनकर निराश हो गए थे, क्योंकि दोस्तों रवि के बाद परिवार की विशाल संपत्ति पाने की कतार में धर्मेंद्र ने रवि का हत्या के लिए गुंडों को काम पर लाया गया था। गुंडों ने नरेंद्र के साथ मिलकर रवि का हत्या करने की कोशिश की और संघर्ष में क्या होता है कि यह रवि अपने चचेरे भाई नगेंद्र को मारने में कामयाब हो जाता है और दोस्तों सामान्य भ्रम में वो दोनों एक चट्टान से गिर जाते हैं और हुडुंदगी भाग गए और खराब रवि के परिवार तक पहुंचती है। खबर रवि के परिवार तक पहुंचती है दिव्या और विधवा और उदास काजल रवि की माँ लक्ष्मी देवी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा मोटरसाइकिल चलाने वाला एक सुंदर अमीर बेरोजगार और नेक दिल लड़का है, जो दोस्तों गलती से लक्ष्मी देवी को सड़क पर गिरा देता है। उसे अपने घर ले जाता है और इसी तरह उनकी मुलाकात काजल से होती है, जो दोस्तों काजल से प्यार हो जाता है और दोस्तों वह उसे जताने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों काजल उसकी बात को टाल देती है और बताती है कि वह पहले से ही शादीशुदा और
विधवा है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के लिए अवस्थ्यारक का चिंतित होकर राज अपना सूट लेकर लौट आता है। लेकिन दोस्तों कादर उसकी प्रगति का विरोध करती रहती है और राजा के अमीर पिता रमाकांत को अपने बेटे का एक विधवा से शादी करने का विचार नापसंद किया है। वह दोस्तों काजल से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इसके बाद राजा अपने पिता से झगड़ा करता है और लक्ष्मी देवी से उसकी विधवा बहू से शादी करने की गुहार लगाता है। लक्ष्मी देवी ने काजल को राजा से शादी करने के लिए राजी किया और यह कहते हुए कि काजल के सामने एक लंबा जीवन है और उसकी कोई संतान नहीं है और लक्ष्मी देवी की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से अकेली हो जाएगी और आखिरकार काजल ने अपनी सास के कहने पर दूसरी शादी स्वीकार कर ली है। राजा की आदमी सगाई की खबर उसके पिता के लिए आखिरी दिन का है और जो बिना किसी देरी के उसे बाहर निकाल लेता है। राज को अब नौकरी की तलाश करनी है और उसके दोस्त उसके साथ एक गैरेज खोलते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोस्तों उसके साथ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। काजल देखने के लिए दौड़ती है और उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है। वह दोस्तों एक दूसरे के प्रति अपरंपरिक स्नेह के साथ एक नया चरण शुरू कर देता है। राजा को स्पष्ट रूप से बहुत दुर्घटना ग्रस्त से एक आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है। जो दोस्तों दुर्घटना से दूसरे छोर पर मौजूदा व्यक्ति राजा का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। राजा को काम ही पता किया और वह यह आदमी को कोई नहीं बल्कि दोस्तों काजल का विवाहित पति और लक्ष्मी देवी का बहुत सुकाबुल बेटा रवि है। दोस्तों राजा रवि को काजल से मिलवाया और तो यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धर्मेंद्र की हत्या के प्रयास में बच गई और हाल ही दोस्तों यह राजा के साथ रहती है। लेकिन दोस्तों धर्मेंद्र को रवि के बारे में पता चला और वह काजल और राजा का अपहरण कर लेता है और दोस्तों बदले में रवि को संपत्ति की मांग करता है। राजा भाग जाता है। रवि के साथ मिलकर धर्मेंद्र की पिटाई करता है। वह केवल को उसके चारों ओर एक एल्बम से बंधा हुआ पाते हैं और रवि इसे बंद करने में सफल हो जाता है। धर्मेंद्र राजा को मारने के लिए भी लौटता है और रवि ने उसे धक्का दिया और बम फोड़ दिया था जिसे दोस्तों एक बड़ा विस्फोट हुआ और दोनों की मौत हो गई। रवि के बलिदान का सामना होने के बाद राजा को काजल हमेशा खुशी से रहते हैं। वही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता ऋषि कपूर जो कि दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है, निर्देशक निर्माता थे जिन्होंने दोस्तों हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अपने 50 साल के करियर में उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। ऋषि कपूर ने दोस्तों अपने अभिनय करियर की शुरुआत यानी दोस्तों अपने अभिनय करियर की शुरुआत लगभग 3 साल की उम्र से कपूर ने अपनी पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति के अपने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420/1955 में एक छोटी सी भूमिका में निभाई थी जहां दोस्तों वह प्यार हुआ इकरार हुआ के संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे।
इसी सहित लहर, राजा कपूर और उस फिल्म का निर्देशक रहेंगे जिसमें दोस्तों ऋषि को उनकी पहली भूमिका मिली थी। 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र और राज कपूर द्वारा अभिनेति के युवा संस्करण को चित्रित करेंगे। लेकिन दोस्तों ऋषि कपूर की पहली प्रमुख का भूमिका व्यवस्था में डिंपल कपाड़िया के साथ 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बावी में आई, जिसका निर्देशक भी उनके पिता किया था। बावी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई थी और दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी, लेकिन दोस्तों यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म दोस्तों वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर्ज चुकाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों पतंजलि वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे और दोस्तों उनके पास राकेश खन्ना, राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी 1973 के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया था जिसमें दोस्तों शामिल है खेल खेल में 1975 और नीतू सिन्हा के साथ रफू चक्कर 1975, अमर अकबर एंथोनी 1977 और अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं 1977 में काम किया था। दोस्तों 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जोबा बख्तियार के साथ हैना में अभिनय किया था, जो दोस्तों राष्ट्रीय समीक्षाओं के प्रारंभ प्रेम की कहानी थी जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर किससे की थी। इसका निर्देशक और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर किया था। लेकिन दोस्तों कपूर ने 1993 की फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसमें दोस्तों मीनाक्षी शेरदिल और सोनी देओल सब कलाकार थे, जिसमें दोस्तों क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था और 1977 और सन 2000 के बीच के कपूर के अन्य फिल्मों की भूमिका मुख्य रूप से रोमांटिक लीड के रूप में शामिल किया गया था। राजा 1975, लैला मजनू 1976, सरगम 1979 और बड़े दिल वाला 1983, बोल राधा बोल 1992, दीवाना 1992 और कारोबार सन 2000 और कपूर ने आ अब लौट चले 1999 जैसे निर्देशक के रूप में शुरुआत किया था, जिसमें दोस्तों राजेश खन्ना, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय भी अभिनय किया था। यह उनका एकमात्र निर्देशक उद्यम फिल्म रहा था। ऋषि कपूर ने सन 2000 के दशक के माध्यम से चरित्र में अभिनय की सफलतापूर्वक परिवर्तन किया था और कई सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, जैसे कि दोस्तों हम तुम 2004, फन्ना 2006, नमस्ते लंदन 2007 और लव आजकल 2009। 2007 में वह ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में डोंट स्टॉप और ड्रीमिंग को साइबर सलसा में दिखाई दिए थे। 2010 के दशक में उन्होंने अग्निपथ 2012 और ऑरेंज गैसेप 2013, कच्ची 2014 खलनायक जैसी विविध भूमिका निभाई है। यह युवा पीढ़ी के रोमांस में एक समलैंगिक डिन और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में एक एक्शन थ्रिलर दी डे 2013 वास्तविक जीवन का डकैत उदाउद इब्राहिम वह पहली बार अपनी भाई रणधीर के साथ मल्टी स्टार की भूमिका कॉमेडियन हाउसफुल 2 2012 में दिखाई दिए थे।
उन्होंने दोस्तों 2/4 2010 में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। लेकिन दोस्तों जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें अपनी उन्होंने पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था, पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन्स 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार निभाए हैं। मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ दोस्तों YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। बात की जाए दोस्तों राज कौर की डायरेक्टर में बनी फिल्म दीवाना, जो कि दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता ऋषि कपूर, दिव्या भारती अभिनेत्री और शाहरुख खान के साथ अमरीश पुरी भी अपने जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों फिल्म दीवाना मूवी में देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों फिल्म की पाठक कथा सागर सरहदी ने किया था और यह फिल्म की कहानी रणबीर पुष्प ने किए थे। फिल्म की उत्पादित यानी गुंडू धनुआ, ललित कपूर, राज कोठारी जैसे इन्होंने मिलकर इस फिल्म का उत्पादित किया था। फिल्म की रिलीज 25 जून 1992 को रिलीज हुई और यह फिल्म का रनर टाइम 1:62 के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म दीवाना जो दोस्तों कहानी रणबीर कपूर के लिखे पुष्पा ने लिखी थी और गुंडू धनोआ ललित कपूर राज कोठारी ने मयंक आर्टर्स के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन दोस्तों छायांकन का संचालन हरमित सिंह ने की थी जबकि ए मुथु ने इसका संपादन किया था। नदीम सरवन की जोड़ी ने समीर के लिखे गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंडट्रैक तैयार किया था। फिल्म का मुहूर्त 14 जुलाई 1991 को हुआ था और 25 जून 1992 को अपने प्रीमियर पर दीवाना को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया था और एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। दुनिया भर में लगभग 162 मिलियन यानी US$2.0 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। केवल दोस्तों बीटा से आगे निकल आया और साउंडट्रैक एल्बम चार्ट बस्टर सहित हुआ था और दोस्तों उसे अधिक सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया था। उद्योग में खान और भारती दोनों ही पकड़ मजबूत कर दी थी, लेकिन दोस्तों राज कौर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत में 38वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए थे और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण खान और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन भारती सहित 5 पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर नायक रवि आहूजा के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि दोस्तों दिव्या भारती अभिनेत्री काजल बेदी का रोल निभाई है। वहीं दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान राज सहाय के रूप में शाहरुख खान खलनायक से हीरो बन गए हैं और धर्मेंद्र प्रताप सिंह नरेंद्र के पिता प्रतिपक्षी के रूप में अमरीश पुरी अपना रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्पा ने दीवाना की कहानी की कल्पना की थी और दोस्तों इसे खुश होकर गुड्डू धनोआ ने फिल्म को अपने प्रोडक्शन बैनर बैंक आर्टस के तहत बनाने का फैसला किया था। Rediff.com के दिए गए साक्षात्कार में राज कौर, जिन्होंने दोस्तों पहले मिस्टर इंडिया 1987 और घायल 1990 जैसे फिल्मों में शेखर कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, लेकिन दोस्तों उसने खुलासा किया कि दीवाना को निर्देशित करने के लिए धनोआ ने उनसे संपर्क किया था। उनके निर्देशन की पहली फिल्म ललित कपूर और राजू कठोरी ने धनोआओं के साथ फिल्म का सह निर्माण किया था।
ऋषि कपूर अनुबंधित होने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन दोस्तों वह कवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन यानी US 13,000 का प्रशिक्षण किया था। नायिका के रूप में माधुरी दीक्षित राज कौर की पहली पसंद थी, लेकिन दोस्तों उनकी उपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण गुड्डू और धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर दिव्या भारती को चुना गया था। धनोआ ने भारती को समय की पाबंद कहकर संबोधित कर दिया था। कहा कि दोस्तों एक बार उन्होंने अपने कार से उतरने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दोस्तों वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कौर के मन में कई अभिनेता थे, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ में अरमान कोहली और सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। लेकिन दोस्तों कोहली ने इसके लिए कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी 1992 के सेट पर उनके और शबनम कपूर, ललित कपूर की पत्नी फिल्म के निर्माताओं में से एक है। इसी बीच दोस्तों गलतफहमी का हवाला देते हुए उन्होंने शूटिंग करने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान जो उस समय एक उतरते हुए कलाकार थे और वो अंत चुना गया था। कंवर को सर्कस और दिल दरिया में उनका अभिनय पसंद आया और इस तरह उन्होंने निर्माताओं को अपना नाम सुझाया और उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन 1992 की अपनी पूर्व प्रतिबिंबताओं के साथ फिल्म में काम किया था। यह उनकी दूसरी फिल्म थी जो दोस्तों उनकी पहली फिल्म थी और यह उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की थी। मुख्य फोटोग्राफी मुंबई और ऊटी में और उसके आसपास हुई, जिसका संचालन हरमित सिंह ने किया था। BS तरुण कुमार और कोरियोग्राफर थे, जबकि दोस्तों राम सेठी और हरीश सेठी एक्शन निर्देशक थे। लिन्ना दारू ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया था और गाने ऊटी के विभिन्न स्थानों पर फिल्माए गए थे, जैसे दोस्तों का बाट निकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसका संपादन ए मुथु द्वारा किया गया था। फिल्म दीवाना की साउंडट्रैक एल्बम में नदीम सरवन नामक का एक जोड़ी रचित था, लेकिन दोस्तों 7 गाने हैं, समीर ने गीत लिखे हैं और कुमार सानू जो कि कपूर के लिए गायन और साधना सरगम अलका यानिक दोनों भारती के लिए गायक हैं, जो दोस्तों विनोद राठौर खान के लिए गायन ने गायक किया था और इस एल्बम की 7 मिलियन से 8 मिलियन की यूनिट्स के बीच बिक्री हुई थी, जिसे दोस्तों यह 1992 का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम बन गया था। फ्लैटनेट बॉलीवुड द्वारा संकालित सभी समय के 100 महानतम बॉलीवुड और साउंडट्रैक की सूची में साउंडट्रैक और हैशटैग यानी 79 था, लेकिन दोस्तों News 18 ने ऐसी दीवानगी को दिव्या भारती के 5 यादगार गाने में से एक के रूप में शामिल किया गया था। और दोस्तों इसने उनकी उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने लोगों को उनकी धुन के साथ साथ उनका दीवाना बना दिया है। उनके साथ साथ दोस्तों उसे सहज सुंदरता भी शाहरुख खान के साथ आकर्षक अनएस्क्रीन केमिस्ट्री ने एक फैक्टर्स को कई गुना बढ़ा दिया है और दोस्तों इसे एक आनंददायक घड़ी बना दिया। और रेडिफ ने इसे
10 अद्वित नद्दीम सर्वन गीतों में सूची किया गया है। यह फिल्म दोस्तों 25 जून 1992 को रिलीज हुई थी और इसे द पावर ऑफ लॉ टैगलाइन के साथ प्रचारित किया गया था। जबकि दोस्तों निर्देशक राज कौर की वितरकों के साथ फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में भाग लेने गए और तो थिएटर को खाली देखकर वह चौंक गए थे। लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने पाया कि इसमें ज्यादातर कॉलेज के बच्चे शामिल थे और जिसे दोस्तों यह सुनिश्चित हो और उभरी फिल्म व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस पर इसके अनुसार इसने दुनिया भर में 140 मिलियन यानी यूएस 1.8 मिलियन की सफल संग्रह किया था। और दोस्तों बन गई साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। केवल दोस्तों बीटा से आगे इसे 2020 की अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। रिलीज होने पर फिल्म दीवाना को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें दोस्तों इसकी सिनेमेटोग्राफी, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर भारती और खान के प्रमुख प्रशंसा शामिल है। निकहत और कांजी ने 28 जून 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में फिल्म की समीक्षा प्रकाशित की थी, जिसमें दोस्तों लिखा था कि खान की भूमिका घिसी पिटी है, लेकिन दोस्तों वह एक नए जोश के साथ इसकी व्यवसाय करने में सक्षम थे। यह एक युवा व्यक्ति की पारंपरिक भूमिका में हवा की तरह उड़ते हैं और प्यार से ग्रस्त, क्रोधित, घृणित, कोमल, परिपक्व और बचकानी विद्रोही दीवाना एक नए प्रतिभा के आगमन का प्रतीक है। 31 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेखक की सिनेमेटोग्राफी और गाने को प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी की आलोचना की और जिसे उन्होंने नियमित मेलोड्रामा से अधिक कुछ नहीं है। कहा गया कि लेखक ने कहा कि भारती की भूमिका सुंदर लेकिन दोस्तों पतली थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि खान की काफी प्रभावशाली और एक पारंपरिक भूमिका में कुछ जान डाल देते हैं। तो दोस्तों एक साक्षात्कार में फिल्म की स्वयं और समीक्षा करते हुए खान ने कहा कि फिल्म का उनका प्रदर्शन भयानक, जोरदार और अश्लील और नियंत्रित था, लेकिन दोस्तों उन्होंने भयानक रूप से ओवर एक्टिंग की थी। उनके अनुसार फिल्म की सफलता में उनका कोई योगदान नहीं है और उन्होंने इसके लिए नदीम सरवन के संगीत को श्रेय दिया है। साथ ही दोस्तों कपूर और भारती के अभिनय की भी प्रशंसा की थी। हालांकि दोस्तों आधुनिक फिल्म समीक्षकों ने दीवाना की सराहना की और 2007 में लेखिका का अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को कच्चा और मेलोड्रामेटिक काम बताया था, जिसमें दोस्तों खान का प्रदर्शन उतना ही जोरदार था और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति स्थापित किया था। फिल्मफेयर के रक्षित गुप्ता ने कहा कि दिव्या ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने में सहज लग रही है। उन्होंने दोस्तों शाहरुख खान की उम्मत और तीव्रता की भावना से भी मेल खाया और वह नुकसान से जूझ रही महिला का किरदार निभाने में बिल्कुल फिट बैठती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म दीवाना, जो कि दोस्तों यह फिल्म काफी जबरदस्त बनी है, जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों काफी पसंद किए थे। दीवाना प्रेम की केंद्रीयता
आधारित राज कौर की दिव्या भारती की भूमिका की तुलना अपनी अन्य फिल्मों जैसे लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996 और जुद्दाई 1997 में महिला भूमिकाओं में करते हुए देखा गया था। मजबूत महिला पत्र और या तो महिलाओं की दुर्दशा को चित्रित करते हैं और संबंधित अभिनेत्रियों की अभिनेता अभिनय क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म में खान के चरित्र के माध्यम से यह फिल्म भी दिखाया गया था कि दोस्तों प्यार में रहते हुए व्यक्ति कैसे जुनूनी हो जाते हैं और उन्होंने स्वयं इस बारे में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में एक फिल्म से मिले एक सबक के रूप में बात थी और दोस्तों थीमानंद उपाधि प्राप्त करने के लिए कई आलोचकों ने ऋषि कपूर की भूमिका की तुलना चांदनी 1989 से की थी, क्योंकि दोस्तों दोनों फिल्म में उन्होंने बलिदान देने वाले पति के रूप में चित्रित किया था। लेकिन दोस्तों दीवाना को विधवा और पुनर्विवाहित से सामाजिक कलंक पर आधारित सबसे शुरुआती भारतीय फिल्म में से एक माना जाता है। वही दोस्तों नदीम सरवन की जोड़ी द्वारा रचित फिल्म संगीत मोटी पैटेनिक सफलता बन गया था और दिव्या भारती के प्रदर्शन को आलोचनात्मक सराहना मिली थी। फिल्म का शीर्षक उसका पायर बन गया था और यह फिल्म शाहरुख खान की पहली फिल्म होने के कारण भी उल्लेखनीय है। फिल्म के दूसरे भाग में सीमित स्क्रीनिंग उपस्थिति के बावजूद एक जुनूनी प्रेम के उनकी चित्रण ने उन्हें करियर में एक बड़ी सफलता दिलाई है। उन पर दोस्तों फिल्माया गया कोई ना कोई चाहिए धीरे धीरे लोकप्रियता हो गए थे। अशोक राज ने अपनी भूमिका का वर्णन एक छोटे शहर में आम आदमी के रूप में किया गया था, जो दोस्तों एक समुद्र जीवन शैली तक पहुंच पाने के लिए एक अमीर विधवा का पीछा करता है। इसके दोस्तों अतिरिक्त दीवाना को कई सूचियों में शामिल किया गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता दीवाना मूवी में अभिनेता ऋषि कपूर अभिनेत्री दिव्या भारती की जोड़ी दोस्तों काफी जच रही है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म की कथानक यानी दोस्तों एक खूबसूरत युवा महिला काजल को एक अमीर और सुंदर आदमी रवि से प्यार हो जाता है। उन्होंने रवि की माँ लक्ष्मी देवी के पुनः आशीर्वाद से खुशी खुशी शादी कर ली और रवि के लालची चाचा धर्मेंद्र और चचेरा भाई नगेंद्र यह सुनकर निराश हो गए थे, क्योंकि दोस्तों रवि के बाद परिवार की विशाल संपत्ति पाने की कतार में धर्मेंद्र ने रवि का हत्या के लिए गुंडों को काम पर लाया गया था। गुंडों ने नरेंद्र के साथ मिलकर रवि का हत्या करने की कोशिश की और संघर्ष में क्या होता है कि यह रवि अपने चचेरे भाई नगेंद्र को मारने में कामयाब हो जाता है। और दोस्तों सामान्य भ्रम में वो दोनों एक चट्टान से गिर जाते हैं और हुडुंदगी भाग गए और खराब रवि के परिवार तक पहुंचती है। खबर रवि के परिवार तक पहुंचती है दिव्या और विधवा और उदास काजल रवि की माँ लक्ष्मी देवी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा मोटरसाइकिल चलाने वाला एक सुंदर अमीर बेरोजगार और नेक दिल लड़का है, जो दोस्तों गलती से लक्ष्मी देवी को सड़क पर गिरा देता है, उसे अपने घर ले जाता है और इसी तरह उनकी मुलाकात काजल से होती है, जो दोस्तों काजल से प्यार हो जाता है और दोस्तों वह उसे जताने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों काजल उसकी बात को टाल देती है और बताती है कि वह पहले से ही शादीशुदा और
विधवा है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के लिए अवस्थ्यारक का चिंतित होकर राज अपना सूट लेकर लौट आता है। लेकिन दोस्तों काजल उसकी प्रगति का विरोध करती रहती है और राजा के अमीर पिता रमाकांत को अपने बेटे का एक विधवा से शादी करने का विचार नापसंद किया है। वह दोस्तों काजल से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इसके बाद राजा अपने पिता से झगड़ा करता है और लक्ष्मी देवी से उसकी विधवा बहू से शादी करने की गुहार लगाता है। लक्ष्मी देवी ने काजल को राजा से शादी करने के लिए राजी किया और यह कहते हुए कि काजल के सामने एक लंबा जीवन है और उसकी कोई संतान नहीं है और लक्ष्मी देवी की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से अकेली हो जाएगी और आखिरकार काजल ने अपनी सास के कहने पर दूसरी शादी स्वीकार कर ली है। राजा की आदमी सगाई की खबर उसके पिता के लिए आखिरी दिन का है और जो बिना किसी देरी के उसे बाहर निकाल देता है। राज को अब नौकरी की तलाश करनी है और उसके दोस्त उसके साथ एक गैरेज खोलते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोस्तों उसके साथ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। काजल देखने के लिए दौड़ती है और उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है। वह दोस्तों एक दूसरे के प्रति अपरंपरिक स्नेह के साथ एक नया चरण शुरू कर देता है। राजा को स्पष्ट रूप से बहुत दुर्घटना ग्रस्त से एक आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है। जो दोस्तों दुर्घटना से दूसरे छोर पर मौजूदा व्यक्ति राजा का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। राजा को काम ही पता किया और वह यह आदमी को कोई नहीं बल्कि दोस्तों काजल का विवाहित पति और लक्ष्मी देवी का बहुत सुकाबुल बेटा रवि है। दोस्तों राजा रवि को काजल से मिलवाया और तो यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धर्मेंद्र की हत्या के प्रयास में बच गई और हाल ही दोस्तों यह राजा के साथ रहती है। लेकिन दोस्तों धर्मेंद्र को रवि के बारे में पता चला और वह काजल और राजा का अपहरण कर लेता है और दोस्तों बदले में रवि को संपत्ति की मांग करता है। राजा भाग जाता है। रवि के साथ मिलकर धर्मेंद्र की पिटाई करता है। वह केवल को उसके चारों ओर एक एल्बम से बंधा हुआ पाते हैं और रवि इसे बंद करने में सफल हो जाता है। धर्मेंद्र राजा को मारने के लिए भी लौटता है और रवि ने उसे धक्का दिया और बम फोड़ दिया था जिसे दोस्तों एक बड़ा विस्फोट हुआ और दोनों की मौत हो गई। रवि के बलिदान का सामना होने के बाद राजा को काजल हमेशा खुशी से रहते हैं। वही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता ऋषि कपूर जो कि दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है, निर्देशक निर्माता थे जिन्होंने दोस्तों हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अपने 50 साल के करियर में उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। ऋषि कपूर ने दोस्तों अपने अभिनय करियर की शुरुआत यानी दोस्तों अपने अभिनय करियर की शुरुआत लगभग 3 साल की उम्र से कपूर ने अपनी पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति के अपने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका में निभाई थी जहां दोस्तों वह प्यार हुआ इकरार हुआ के संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे।
इसी सहित लहर राजा कपूर और उस फिल्म का निर्देशक होंगे जिसमें दोस्तों ऋषि को उनकी पहली भूमिका मिली थी। 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र और राज कपूर द्वारा अभिनेती के युवा संस्करण को चित्रित करेंगे। लेकिन दोस्तों ऋषि कपूर की पहले प्रमुख का भूमिका व्यवस्था में डिंपल कपाड़िया के साथ 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई जिसका निर्देशक भी उनके पिता किया था। बॉबी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई थी और दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी, लेकिन दोस्तों यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म दोस्तों वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर्ज चुकाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों पतंजलि वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे और दोस्तों उनके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी 1973 के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया था जिसमें दोस्तों शामिल है खेल खेल में 1975 और नीतू सिन्हा के साथ रफू चक्कर 1975, अमर अकबर एंथोनी 1977 और अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं 1977 में काम किया था। दोस्तों 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जोबा बख्तियार के साथ हैना में अभिनय किया था जो दोस्तों राष्ट्रीय समीक्षाओं के प्रारंभ प्रेम की कहानी थी जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर किससे की थी। इसका निर्देशक और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर किया था। लेकिन दोस्तों कपूर ने 1993 की फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसमें दोस्तों मीनाक्षी शेरदिल और सोनी देओल सब कलाकार थे जिसमें दोस्तों क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था और 1977 और सन 2000 के बीच के कपूर के अन्य फिल्मों की भूमिका मुख्य रूप से रोमांटिक लीड के रूप में शामिल किया गया था। राजा 1975, लैला मजनू 1976, सरगम 1979 और बड़े दिल वाला 1983, बोल राधा बोल 1992, दीवाना 1992 और कारोबार सन 2000 और कपूर ने आ अब लौट चले 1999 जैसे निर्देशक के रूप में शुरुआत किया था जिसमें दोस्तों राजेश खन्ना, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय भी अभिनय किया था। यह उनका एकमात्र निर्देशक उद्यम फिल्म रहा था। ऋषि कपूर ने सन 2000 के दशक के माध्यम से चरित्र में अभिनय की सफलतापूर्वक परिवर्तन किया था और कई सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए जैसे कि दोस्तों हम तुम 2004, फन्ना 2006, नमस्ते लंदन 2007 और लव आजकल 2007 में वह ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में डोंट स्टॉप और ड्रीमिंग को साइबर सलसा में दिखाई दिए थे। 2010 के दशक में उन्होंने अग्निपथ 2012 और ऑरेंज गैसेप 2013, कच्ची 2014 खलनायक जैसी विविध भूमिका निभाई है। यह युवा पीढ़ी के रोमांस में एक समलैंगिक डिन और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में एक एक्शन थ्रिलर दी डे 2013 वास्तविक जीवन का डेकेट उद्दाउद ब्राहिम व पहली बार अपनी भाई रणधीर के साथ मल्टी स्टार की भूमिका कॉमेडियन हाउसफुल 2 2012 में दिखाई दिए थे।
उन्होंने दोस्तों 2/4/2010 में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था। लेकिन दोस्तों जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें अपने उन्होंने पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था, पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन्स 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार निभाए हैं। यह फिल्म दीवाना जो दोस्तों कहानी रणबीर कपूर के लिखे, पुष्पा ने लिखी थी और गुंडू धनोआ, ललित कपूर, राज कोठारी ने मयंक आर्टिस्ट के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन दोस्तों छायांकन का संचालन हरमित सिंह ने की थी, जबकि ए मुथु ने इसका संपादन किया था। नदीम सरवन की जोड़ी ने समीर के लिखे गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंडट्रैक तैयार किया था। फिल्म का मुहूर्त 14 जुलाई 1991 को हुआ था और 25 जून 1992 को अपने प्रीमियर पर दीवाना को अल्लोच को द्वारा खूब सराहा गया था और एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। दुनिया भर में लगभग 162 मिलियन यानी US$2.0 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। केवल दोस्तों बीटा से अगले आगे निकल आया और साउंडट्रैक एल्बम चार्ट बस्टर सहित हुआ था और दोस्तों उसे अधिक सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया था। उद्योग में खान और भारती दोनों ही पकड़ मजबूत कर दी थी। लेकिन दोस्तों राजकौर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत में 38वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए थे और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण खान और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन भारती सहित 5 पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर नायक रवि आहूजा के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि दोस्तों दिव्या भारती अभिनेत्री काजल बेदी का रोल निभाई है। वहीं दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान राज सहाय के रूप में शाहरुख खान खलनायक से हीरो बन गए हैं और धर्मेंद्र प्रताप सिंह नरेंद्र के पिता प्रतिपक्षी के रूप में अमरीश पुरी अपना रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की है तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में रणवीर पुष्पा ने दीवाना की कहानी की कल्पना की थी और दोस्तों इसे खुश होकर गुड्डू धनोआ ने फिल्म को अपने प्रोडक्शन बैनर बैंक आर्टस के तहत बनाने का फैसला किया था। Rediff.com के दिए गए साक्षात्कार में राजकौर, जिन्होंने दोस्तों पहले मिस्टर इंडिया 1987 और घायल 1990 जैसे फिल्मों में शेखर कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, लेकिन दोस्तों उसने खुलासा किया कि दीवाना को निर्देशित करने के लिए धनोआ ने उनसे संपर्क किया था। उनके निर्देशन की पहली फिल्म ललित कपूर और राजू कठोरी ने धनोआओं के साथ फिल्म का सह निर्माण किया था। ऋषि कपूर अनुबंधित होने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन दोस्तों वह कवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन यानी US$13,000 का प्रशिक्षण किया था। नायिका के रूप में माधुरी दीक्षित राजकौर की पहली पसंद थी, लेकिन दोस्तों उनकी उपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण गुड्डू और धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर दिव्या भारती को चुना गया था। धनोआ ने भारती को समय की पाबंद कहकर संबोधित कर दिया था। कहा कि दोस्तों एक बार उन्होंने अपने कार से उतरने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दोस्तों वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कवर के मन में कई अभिनेता थे, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ
में अरमान कोहली और सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। लेकिन दोस्तों कोहली ने इसके लिए कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी 1992 के सेट पर उन्होंने उनके और शबनम कपूर, ललित कपूर की पत्नी फिल्म के निर्माताओं में से एक है। इसी बीच दोस्तों क्लब फैमिली का हवाला देते हुए उन्होंने शूटिंग करने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान जो उस समय एक उतरते हुए कलाकार थे और वो अंत चुना गया था। कंवर को सर्कस और दिल दरिया में उनका अभिनय पसंद आया और इस तरह उन्होंने निर्माताओं को अपना नाम सुझाया और उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन 1992 की अपनी पूर्व प्रतिबिंबताओं के साथ फिल्म में काम किया था। यह उनकी दूसरी फिल्म थी जो दोस्तों उनकी पहली फिल्म थी और यह उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की थी। मुख्य फोटोग्राफी मुंबई और ऊटी में और उसके आसपास हुई, जिसका संचालन हरमित सिंह ने किया था। बीएस तरुण कुमार और कोरियोग्राफर थे, जबकि दोस्तों राम सेठी और हरीश सेठी एक्शन निर्देशक थे। लिन्ना दारू ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया था और गाने ऊटी के विभिन्न स्थानों पर फिल्माए गए थे। जैसे दोस्तों का बाटनिकल गार्डन और ऊटी झील 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसका संपादन ए मुथु द्वारा किया गया था। फिल्म दीवाना की साउंडट्रैक एल्बम में नदीम सरवन नामक का एक जोड़ी रचित था, लेकिन दोस्तों 7 गाने हैं समीर ने गीत लिखे हैं और कुमार सानू जो कि कपूर के लिए गायन और साधना सरगम अलका यानिक दोनों भारतीय के लिए गायक हैं। जो दोस्तों विनोद राठौर खान के लिए गायन ने गायक किया था और इस एल्बम की 7 मिलियन से 8 मिलियन की यूनिट्स के बीच बिक्री हुई थी, जिसे दोस्तों यह 1992 का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम बन गया था। ब्लैकनेट बॉलीवुड द्वारा संकलित सभी समय के 100 महानतम बॉलीवुड और साउंडट्रैक की सूची में साउंडट्रैक और हैशटैग यानी 79 था। लेकिन दोस्तों News18 ने ऐसी दीवानगी को दिव्या भारती के 5 यादगार गाने में से एक के रूप में शामिल किया गया था और दोस्तों इसने उनकी उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने लोगों को उनकी धुन के साथ साथ उनका दीवाना बना दिया है। उनके साथ साथ दोस्तों उसे सहज सुंदरता भी शाहरुख खान के साथ आकर्षक अनएक्सीलेंट केमिस्ट्री ने एक फैक्टर्स को कई गुना बढ़ा दिया है और दोस्तों इसे एक आनंददायक घड़ी बना दिया है और रेडिफ ने इसे 10 अद्वित नदीम सरवन गीतों में सूची किया गया है। यह फिल्म दोस्तों 25 जून 1992 को रिलीज हुई थी और इसे द पावर ऑफ लॉ टैगलाइन के साथ प्रचारित किया गया था, जबकि दोस्तों निर्देशक राज कौर की वितरकों के साथ फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में भाग लेने गए और तो थिएटर को खाली देखकर वह चौंक गए थे। लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने पाया कि इसमें ज़्यादातर कॉलेज के बच्चे शामिल थे और जिसे दोस्तों यह सुनिश्चित हो और उभरी फिल्म व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस पर इसके अनुसार इसने दुनिया भर में 140 मिलियन यानी US$1.8 मिलियन की सफल संग्रह किया था और दोस्तों बन गई साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म।
केवल दोस्तों बीटा से आगे इसे 2020 की अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। रिलीज होने पर फिल्म दीवाना को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें दोस्तों इसकी सिनेमेटोग्राफी, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर भारतीय और खान के प्रमुख प्रशांत शामिल है। निकहत और कांजी ने 28 जून 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में फिल्म की समीक्षा प्रकाशित की थी, जिसमें दोस्तों लिखा था कि खान की भूमिका घिसी पिटी है, लेकिन दोस्तों वह एक नए जोश के साथ इसकी व्याख्या करने में सक्षम थे। यह एक युवा व्यक्ति की पारंपरिक भूमिका में हवा की तरह उड़ते हैं और प्यार से ग्रस्त, क्रोधित, घृणित, कोमल, परिपक्व और बचकाने विद्रोही दीवाना एक नए प्रतिभा के आगमन का प्रतीक है। 31 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेखक की सिनेमेटोग्राफी और गाने को प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी की आलोचना की और जिसे उन्होंने नियमित मेलोड्रामा से अधिक कुछ नहीं है। कहा गया कि लेखक ने कहा कि भारती की भूमिका सुंदर लेकिन दोस्तों पतली थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि खान की काफी प्रभावशाली और एक पारंपरिक भूमिका में कुछ जान डाल देते हैं। तो दोस्तों एक साक्षात्कार में फिल्म की स्वयं और समीक्षा करते हुए खान ने कहा कि फिल्म का उनका प्रदर्शन भयानक, जोरदार और अश्लील और नियंत्रित था, लेकिन दोस्तों उन्होंने भयानक रूप से ओवर एक्टिंग की थी। उनके अनुसार फिल्म की सफलता में उनका कोई योगदान नहीं है और उन्होंने इसके लिए नदीम सरवन के संगीत को श्रेय दिया है। साथ ही दोस्तों कपूर और भारती के अभिनय की भी प्रशंसा की थी। हालांकि दोस्तों आधुनिक फिल्म समीक्षकों ने दीवाना की सराहना की और 2007 में लेखिका का अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को कच्चा और मेलोड्रामेटिक काम बताया था, जिसमें दोस्तों खान का प्रदर्शन उतना ही जोरदार था और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति स्थापित किया था। फिल्म के रक्षित गुप्ता ने कहा कि दिव्या ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने में सहज लग रही है। उन्होंने दोस्तों शाहरुख खान की उम्मत और तीव्रता की भावना से भी मेल खाया और वह नुकसान से जूझ रही महिला का किरदार निभाने में बिल्कुल फिट बैठती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म दीवाना, जो कि दोस्तों यह फिल्म काफी जबरदस्त बनी है, जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों काफी पसंद किए थे। दीवाना प्रेम की केंद्रीयता आधारित राज कौर की दिव्या भारती की भूमिका की तुलना अपनी अन्य फिल्मों जैसे लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996 और जुद्दाई 1997 में महिला भूमिकाओं में करते हुए देखा गया था। मजबूत महिला पत्र और या तो महिलाओं की दुर्दशा को चित्रित करते हैं और संबंधित अभिनेत्रियों की अभिनय क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म में खान के चरित्र के माध्यम से यह फिल्म भी दिखाया गया था कि दोस्तों प्यार में रहते हुए व्यक्ति कैसे जुनूनी हो जाते हैं और उन्होंने स्वयं इस बारे में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में एक फिल्म से मिले एक सबक के रूप में बात थी और दोस्तों थीमानंद उपाधि प्राप्त करने के लिए कई आलोचकों ने ऋषि कपूर की भूमिका की तुलना चांदनी 1989 से
ही थी, क्योंकि दोस्तों देखो दोनों फिल्म में उन्होंने बलिदान देने वाले पति के रूप में चित्रित किया था। लेकिन दोस्तों दीवाना को विधवा और पुनर्विवाहित से सामाजिक कलंक पर आधारित सबसे शुरुआती भारतीय फिल्म में से एक माना जाता है। वहीं दोस्तों नदीम सरवन की जोड़ी द्वारा रचित फिल्म संगीत मोंटी पैटेनिक सफलता बन गया था और दिव्या भारती के प्रदर्शन को आलोचनात्मक सराहना मिली थी। फिल्म का शीर्षक उसका पायर बन गया था और यह फिल्म शाहरुख खान की पहली फिल्म होने के कारण भी उल्लेखनीय है। फिल्म के दूसरे भाग में सीमित स्क्रीनिंग उपस्थिति के बावजूद एक जुनूनी प्रेम के उनकी चित्रण ने उन्हें कैरियर में एक बड़ी सफलता दिलाई है। उन पर दोस्तों फिल्माया गया कोई न कोई चाहिए धीरे धीरे लोकप्रियता हो गए थे। अशोक राज ने अपनी भूमिका का वर्णन एक छोटे शहर में आम आदमी के रूप में किया गया था, जो दोस्तों एक समुद्र जीवन शैली तक पहुंच पाने के लिए एक अमीर विधवा का पीछा करता है। इसके दोस्तों अतिरिक्त दीवाना को कई सूचियों में शामिल किया गया था। और बात जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता दीवाना मूवी में अभिनेता ऋषि कपूर अभिनेत्री दिव्या भारती की जोड़ी दोस्तों काफी जच रही है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म की कथानक यानी दोस्तों एक खूबसूरत युवा महिला काजल को एक अमीर और सुंदर आदमी रवि से प्यार हो जाता है। उन्होंने रवि की माँ लक्ष्मी देवी के पुनः आशीर्वाद से खुशी खुशी शादी कर ली और रवि के लालची चाचा धर्मेंद्र और चचेरा भाई नगेंद्र यह सुनकर निराश हो गए थे, क्योंकि दोस्तों रवि के बाद परिवार की विशाल संपत्ति पाने की कतार में धर्मेंद्र ने रवि का हत्या के लिए गुंडों को काम पर लाया गया था। गुंडों ने नरेंद्र के साथ मिलकर रवि का हत्या करने की कोशिश की और संघर्ष में क्या होता है कि यह रवि अपने चचेरे भाई नगेंद्र को मारने में कामयाब हो जाता है। और दोस्तों सामान्य भ्रम में वो दोनों एक चट्टान से गिर जाते हैं और हुडुंदगी भाग गए और खराब रवि के परिवार तक पहुंचती है। खबर रवि के परिवार तक पहुंचती है दिव्या और विधवा और उदास काजल रवि की माँ लक्ष्मी देवी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा मोटरसाइकिल चलाने वाला एक सुंदर अमीर बेरोजगार और नेक दिल लड़का है, जो दोस्तों गलती से लक्ष्मी देवी को सड़क पर गिरा देता है। उसे अपने घर ले जाता है और इसी तरह उनकी मुलाकात काजल से होती है, जो दोस्तों काजल से प्यार हो जाता है और दोस्तों वह उसे जताने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों काजल उसकी बात को टाल देती है और बताती है कि वह पहले से ही शादीशुदा और विधवा है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के लिए अवस्थ्यारक का चिकित होकर राज अपना सूट लेकर लौट आता है। लेकिन दोस्तों काजल उसकी प्रगति का विरोध करती रहती है और राजा के अमीर पिता रमाकांत को अपने बेटे का एक विधवा से शादी करने का विचार नापसंद किया है। वह दोस्तों काजल से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इसके बाद राजा अपने पिता से झगड़ा करता है और लक्ष्मी देवी से उसकी विधवा बहू से शादी करने की गुहार लगाता है। लक्ष्मी देवी ने काजल को राजा से शादी करने के लिए राजी किया और यह कहते हुए कि काजल के सामने एक लंबा जीवन है और उसकी कोई संतान नहीं है।
और लक्ष्मी देवी की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से अकेली हो जाएगी और आखिरकार काजल ने अपनी सास के कहने पर दूसरी शादी स्वीकार कर ली है। राजा की आदमी सगाई की खबर उसके पिता के लिए आखिरी दिन का है और जो बिना किसी देरी के उसे बाहर निकाल देता है। राज को अब नौकरी की तलाश करनी है और उसके दोस्त उसके साथ एक गैरेज खोलते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोस्तों उसके साथ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। काजल देखने के लिए दौड़ती है और उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है। वह दोस्तों एक दूसरे के प्रति अपरंपरिक स्नेह के साथ एक नया चरण शुरू कर देता है। राजा को स्पष्ट रूप से बहुत दुर्घटना ग्रस्त से एक आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है। जो दोस्तों दुर्घटना से दूसरे छोर पर मौजूदा व्यक्ति राजा का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। राजा को काम ही पता किया और वह यह आदमी को कोई नहीं बल्कि दोस्तों काजल का विवाहित पति और लक्ष्मी देवी का बहुत सुकाबुल बेटा रवि है। दोस्तों राजा रवि को काजल से मिलवाया और तो यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धर्मेंद्र की हत्या के प्रयास में बच गई और हाल ही दोस्तों यह राजा के साथ रहती है। लेकिन दोस्तों धर्मेंद्र को रवि के बारे में पता चला और वह काजल और राजा का अपहरण कर लेता है और दोस्तों बदले में रवि को संपत्ति की मांग करता है। राजा भाग जाता है। रवि के साथ मिलकर धर्मेंद्र की पिटाई करता है। वह केवल को उसके चारों ओर एक एल्बम से बंधा हुआ पाते हैं और रवि इसे बंद करने में सफल हो जाता है। धर्मेंद्र राजा को मारने के लिए भी लौटता है और रवि ने उसे धक्का दिया और बम फोड़ दिया था जिसे दोस्तों एक बड़ा विस्फोट हुआ और दोनों की मौत हो गई। रवि के बलिदान का सामना होने के बाद राजा को काजल हमेशा खुशी से रहते हैं। वही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता ऋषि कपूर जो कि दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है, निर्देशक निर्माता थे जिन्होंने दोस्तों हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अपने 50 साल के करियर में उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। ऋषि कपूर ने दोस्तों अपने अभिनय करियर की शुरुआत यानी दोस्तों अपने अभिनय करियर की शुरुआत लगभग 3 साल की उम्र से कपूर ने अपनी पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति के अपने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका में निभाई थी जहां दोस्तों वह प्यार हुआ इकरार हुआ के संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी सहित लहर राजा कपूर और उस फिल्म का निर्देशक करेंगे जिसमें दोस्तों ऋषि को उनकी पहली भूमिका मिली थी। 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र और राज कपूर द्वारा अभिनेती के युवा संस्करण को चित्रित करेंगे। लेकिन दोस्तों ऋषि कपूर की पहली प्रमुख का भूमिका व्यवस्था में डिंपल कपाड़िया के साथ 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बावी में आई जिसका निर्देशक भी उनके पिता किया था। बावी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई थी और दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है।
फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी, लेकिन दोस्तों यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म दोस्तों वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर्ज चुकाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों पतंजलि वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। और दोस्तों उनके पास राकेश खन्ना राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी 1973 में 73 के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया था जिसमें दोस्तों शामिल है खेल खेल में 1975 और नीतू सिन्हा के साथ रफू चक्कर 1975, अमर अकबर एंथोनी 1977 और अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं 1977 में काम किया था। दोस्तों 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जोबा बख्तियार के साथ हैना में अभिनय किया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय समीक्षाओं के प्रारंभ प्रेम की कहानी थी जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर किससे की थी। इसका निर्देशक और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर किया था। लेकिन दोस्तों कपूर ने 1993 की फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसमें दोस्तों मीनाक्षी शेरदिल और सोनी देओल सब कलाकार थे, जिसमें दोस्तों क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। और 1977 और सन 2000 के बीच के कपूर के अन्य फिल्मों की भूमिका मुख्य रूप से रोमांटिक लीड के रूप में शामिल किया गया था। राजा 1975, लैला मजनू 1976, सरगम 1979 और बड़े दिल वाला 1983, बोल राधा बोल 1992, दीवाना 1992 और कारोबार सन 2000 और कपूर ने आ अब लौट चले 1999 जैसे निर्देशक के रूप में शुरुआत किया था, जिसमें दोस्तों राजेश खन्ना अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय भी अभिनय किया था। यह उनका एकमात्र निर्देशक उद्यम फिल्म रहा था। ऋषि कपूर ने सन 2000 के दशक के माध्यम से चरित्र में अभिनय की सफलतापूर्वक परिवर्तन किया था और कई सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, जैसे कि दोस्तों हम तुम 2004, फन्ना 2006, नमस्ते लंदन 2007 और लव आजकल 2007 में वह ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में डोंट स्टॉप और ड्रीमिंग को साइबर सलसा में दिखाई दिए थे। 2010 के दशक में उन्होंने अग्निपथ 2012 और ऑरेंज गैसेप 2013, कच्ची 2014 खलनायक जैसी विविध भूमिका निभाई है। यह युवा पीढ़ी के रोमांस में एक समलैंगिक डीन और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में एक एक्शन थ्रिलर डी डे 2013 वास्तविक जीवन का डेकेट उद्दाउद ब्राहिम व पहली बार अपनी भाई रणधीर के साथ मल्टी स्टार की भूमिका कॉमेडियन हाउसफुल 2 2012 में दिखाई दिए थे। उन्होंने दोस्तों 2/4 2010 में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। लेकिन दोस्तों जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था जिसमें अपने उन्होंने पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन्स 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार निभाए हैं। राज कोठारी जैसे इन्होंने मिलकर इस फिल्म का उत्पादित किया था। फिल्म की रिलीज 25 जून 1992 को रिलीज हुई और यह फिल्म का रनर टाइम 1:62 के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म दीवाना जो दोस्तों कहानी रणबीर कपूर के लिखे पुष्पा ने लिखी थी और गुंडू धनोआ ललित कपूर
राज कोठारी ने मयंक आर्ट्स के बैनर तले फिल्म का सह निर्माण किया था। छायांकन दोस्तों, छायांकन का संचालन हरमित सिंह ने की थी जबकि ए मुथु ने इसका संपादन किया था। नदीम सरवन की जोड़ी ने समीर के लिखे गीतों के साथ फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंडट्रैक तैयार किया था। फिल्म का मुहूर्त 14 जुलाई 1991 को हुआ था और 25 जून 1992 को अपने प्रेमियन पर देवबाना को अल्लोज को द्वारा खूब सराहा गया था और एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। दुनिया भर में लगभग 162 मिलियन यानी US$2.0 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। केवल दोस्तों बीटा से आगे निकल आया और साउंडट्रैक एल्बम चार्ट बस्टर सहित हुआ था और दोस्तों उसे अधिक सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया था। उद्योग में खान और भारती दोनों ही पकड़ मजबूत कर दी थी लेकिन दोस्तों राजकौर के निर्देशक कैरियर की शुरुआत में 38वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन प्राप्त हुए थे और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण खान और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन भारती सहित 5 पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर नायक रवि आहूजा के रूप में दिखाई दिए हैं जबकि दोस्तों दिव्या भारती अभिनेत्री काजल बेदी का रोल निभाई है। वहीं दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान राज सहाय के रूप में शाहरुख खान खलनायक से हीरो बन गए हैं और धर्मेंद्र प्रताप सिंह नरेंद्र के पिता प्रतिपक्षी के रूप में अमरीश पुरी अपना रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में रणवीर पुष्पा ने दीवाना की कहानी की कल्पना की थी और दोस्तों इसे खुश होकर गुड्डू धोनोआ ने फिल्म को अपने प्रोडक्शन बैनर बैंक आर्टस के तहत बनाने का फैसला किया था। Rediff.com के दिए गए साक्षात्कार में राजकौर जिन्होंने दोस्तों पहले मिस्टर इंडिया 1987 और घायल 1990 जैसे फिल्मों में शेखर कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था लेकिन दोस्तों उसने खुलासा किया कि दीवाना को निर्देशित करने के लिए धनोआ ने उनसे संपर्क किया था। उनके निर्देशन की पहली फिल्म ललित कपूर और राजू कठोरी ने धनोआओं के साथ फिल्म का सह निर्माण किया था। ऋषि कपूर अनुबंधित होने वाले पहले व्यक्ति थे लेकिन दोस्तों वह कवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन यानी US$13,000 का प्रशिक्षण किया था। नायिका के रूप में माधुरी दीक्षित राजकौर की पहली पसंद थी लेकिन दोस्तों उपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण गुड्डू और धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर दिव्या भारती को चुना गया था। धनोआ ने भारती को समय की पाबंद कहकर संबोधित कर दिया था। कहा कि दोस्तों एक बार उन्होंने अपने कार से उतरने से इनकार कर दिया था क्योंकि दोस्तों वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कवर के मन में कई अभिनेता थे लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ में अरमान कोहली और सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे लेकिन दोस्तों कोहली ने इसके लिए कुछ दिनों तक शूटिंग की थी लेकिन बाद में इंसाफ की देवी 1992 के सेट पर उनके और शबनम कपूर ललित कपूर की पत्नी फिल्म के निर्माताओं में से एक है। इसी बीच दोस्तों क्रक फैमिली का हवाला देते हुए उन्होंने शूटिंग करने से इनकार कर दिया था लेकिन दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान जो उस समय
एक उत्तर जे जो एक उतरते हुए कलाकार थे और वो अंत चुना गया था। कंवर को सर्कस और दिल दरिया में उनका अभिनय पसंद आया और इस तरह उन्होंने निर्माताओं को अपना नाम सुझाया और उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन। 1992 की अपनी पूर्व प्रतिबिंबताओं के साथ फिल्म में काम किया था। यह उनकी दूसरी फिल्म थी जो दोस्तों उनकी पहली फिल्म थी और यह उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की थी। मुख्य फोटोग्राफी मुंबई और ऊटी में और उसके आसपास हुई जिसका संचालन हरमित सिंह ने किया था। बीएस तरुण कुमार और कोरियोग्राफर थे जबकि दोस्तों राम सेठी और हरीश सेठी एक्शन निर्देशक थे। लिन्ना दारू ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया था और गाने ऊटी के विभिन्न स्थानों पर फिल्माए गए थे। जैसे दोस्तों का बाटनिकल गार्डन और ऊटी झील 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसका संपादन ए मुथु द्वारा किया गया था। फिल्म दीवाना की साउंडट्रैक एल्बम में नदीम सरवन नामक का एक जोड़ी रचित था लेकिन दोस्तों 7 गाने हैं समीर ने गीत लिखे हैं और कुमार सानू जो कि कपूर के लिए गायन और साधना सरगम अलका यानिक दोनों भारतीय के लिए गायक हैं। जो दोस्तों विनोद राठौर खान के लिए गायन ने गायक किया था और इस एल्बम की 7 मिलियन से 8 मिलियन की यूनिट्स के बीच बिक्री हुई थी जिसे दोस्तों यह 1992 का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम बन गया था। फ्लैटनेट बॉलीवुड द्वारा संकालित सभी समय के 100 महानतम बॉलीवुड और साउंडट्रैक की सूची में साउंडट्रैक और हैशटैग यानी 79 था लेकिन दोस्तों न्यूज 18 ने ऐसी दीवानगी को दिव्या भारती के 5 यादगार गाने में से एक के रूप में शामिल किया गया था। और दोस्तों इसने उनकी उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने लोगों को उनकी धुन के साथ साथ उनका दीवाना बना दिया है। उनके साथ साथ दोस्तों उसे सहज सुंदरता भी शाहरुख खान के साथ आकर्षक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने एक फैक्टर्स को कई गुना बढ़ा दिया है और दोस्तों इसे एक आनंददायक घड़ी बना दिया है। और रेडिफ ने इसे 10 अद्वितीय नदीम सरवन गीतों में सूची किया गया है। यह फिल्म दोस्तों 25 जून 1992 को रिलीज हुई थी और इसे द पावर ऑफ लॉ टैगलाइन के साथ प्रचारित किया गया था। जबकि दोस्तों निर्देशक राज कौर की वितरकों के साथ फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में भाग लेने गए और तो थिएटर को खाली देखकर वह चौंक गए थे लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने पाया कि इसमें ज्यादातर कॉलेज के बच्चे शामिल थे और जिसे दोस्तों यह सुनिश्चित हो और उगरी फिल्म व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस पर इसके अनुसार इसने दुनिया भर में 140 मिलियन यानी US$1.8 मिलियन की सफल संग्रह किया था। और दोस्तों बन गई साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म केवल दोस्तों बीटा से आगे इसे 2020 की Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। रिलीज होने पर फिल्म दीवाना को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें दोस्तों इसकी सिनेमेटोग्राफी साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर भारती और खान के प्रमुख प्रशंसक शामिल है। निकहत और कामजी ने 28 जून 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में फिल्म की समीक्षा प्रकाशित की थी जिसमें दोस्तों लिखा था कि खान की भूमिका घेसी पीटी है लेकिन दोस्तों वह एक नए जोश के साथ इसकी व्यवसाय करने में सक्षम थे।
यह एक युवा व्यक्ति की पारंपरिक भूमिका में हवा की तरह उड़ते हैं और प्यार से ग्रस्त, क्रोधित, घृणित, कोमल, परिपक्व और बचकाने विद्रोही दीवाना एक नए प्रतिभा के आगमन का प्रतीक है। 31 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेखक की सिनेमेटोग्राफी और गाने को प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी की आलोचना की और जिसे उन्होंने नियमित मेलोड्रामा से अधिक कुछ नहीं है। कहा गया कि लेखक ने कहा कि भारती की भूमिका सुंदर लेकिन दोस्तों पतली थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि खान की काफी प्रभावशाली और एक पारंपरिक भूमिका में कुछ जान डाल देते हैं। तो दोस्तों एक सच्चा कलाकार ने फिल्म की स्वयं और समीक्षा करते हुए खान ने कहा कि खान ने कहा कि फिल्म का उनका प्रदर्शन भयानक, जोरदार और अश्लील और नियंत्रित था, लेकिन दोस्तों उन्होंने भयानक रूप से ओवर एक्टिंग की थी। उनके अनुसार फिल्म की सफलता में उनका कोई योगदान नहीं है और उन्होंने इसके लिए नदीम सरवन के संगीत को श्रेय दिया है। साथ ही दोस्तों कपूर और भारती के अभिनय की भी प्रशंसा की थी। हालांकि दोस्तों आधुनिक फिल्म समीक्षकों ने दीवाना की सराहना की और 2007 में लेखिका का अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को कच्चा और मेलोड्रामेटिक काम बताया था, जिसमें दोस्तों खान का प्रदर्शन उतना ही जोरदार था और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति स्थापित किया था। फिल्मफेयर के रक्षित गुप्ता ने कहा कि दिव्या ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने में सहज लग रही है। उन्होंने दोस्तों शाहरुख खान की उम्मत और तीव्रता की भावना से भी मेल खाया और वह नुकसान से जूझ रही महिला का किरदार निभाने में बिल्कुल फिट बैठती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म दीवाना, जो कि दोस्तों यह फिल्म काफी जबरदस्त बनी है, जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों काफी पसंद किए थे। दीवाना प्रेम की केंद्रित आधारित राज कौर की दिव्या भारती की भूमिका की तुलना अपनी अन्य फिल्मों जैसे लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996 और जुद्दाई 1997 में महिला भूमिकाओं में करते हुए देखा गया था। मजबूत महिला पत्र और या तो महिलाओं की दुर्दशा को चित्रित करते हैं और संबंधित अभिनेत्रियों की अभिनय क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म में खान के चरित्र के माध्यम से यह फिल्म भी दिखाया गया था कि दोस्तों प्यार में रहते हुए व्यक्ति कैसे जुनूनी हो जाते हैं और उन्होंने स्वयं इस बारे में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में एक फिल्म से मिले एक सबक के रूप में बात थी और दोस्तों थीमानंद उपाधि प्राप्त करने के लिए कई आलोचकों ने ऋषि कपूर की भूमिका की तुलना चांदनी 1989 से की थी, क्योंकि दोस्तों दोनों फिल्म में उन्होंने बलिदान देने वाले पति के रूप में चित्रित किया था। लेकिन दोस्तों दीवाना को विधवा और पुनर्विवाहित से सामाजिक कलंक पर आधारित सबसे शुरुआती भारतीय फिल्म में से एक माना जाता है। वही दोस्तों नदीम सरवन की जोड़ी द्वारा रचित फिल्म संगीत मल्टी पैटर्निक सफलता बन गया था और दिव्या भारती के प्रदर्शन को आलोचनात्मक सराहना मिली थी। फिल्म का शीर्षक उसका पर्याय बन गया था और यह फिल्म शाहरुख खान की पहली फिल्म
होने के कारण भी उल्लेखनीय है। फिल्म के दूसरे भाग में सीमित स्क्रीनिंग उपस्थिति के बावजूद एक जुनूनी प्रेम के उनकी चित्रण ने उन्हें कैरियर में एक बड़ी सफलता दिलाई है। उन पर दोस्तों फिल्माया गया कोई न कोई चाहिए धीरे धीरे लोकप्रियता हो गए थे। अशोक राज ने अपनी भूमिका का वर्णन एक छोटे शहर में आम आदमी के रूप में किया गया था, जो दोस्तों एक समुद्र जीवन शैली तक पहुंच पाने के लिए एक अमीर विधवा का पीछा करता है। इसके दोस्तों अतिरिक्त दीवाना को कई सूचियों में शामिल किया गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता दीवाना मूवी में अभिनेता ऋषि कपूर अभिनेत्री दिव्या भारती की जोड़ी दोस्तों काफी जच रही है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म की कथा यानी दोस्तों एक खूबसूरत युवा महिला काजल को एक अमीर और सुंदर आदमी रवि से प्यार हो जाता है। उन्होंने रवि की माँ लक्ष्मी देवी की पुनः आशीर्वाद से खुशी खुशी शादी कर ली और रवि के लालची चाचा धर्मेंद्र और चचेरा भाई नगेंद्र यह सुनकर निराश हो गए थे, क्योंकि दोस्तों रवि के बाद परिवार की विशाल संपत्ति पाने की कतार में धर्मेंद्र ने रवि का हत्या के लिए गुंडों को काम पर लाया गया था। गुंडों ने नरेंद्र के साथ मिलकर रवि का हत्या करने की कोशिश की और संघर्ष में क्या होता है कि यह रवि अपने चचेरे भाई नगेंद्र को मारने में कामयाब हो जाता है। और दोस्तों सामान्य भ्रम में वो दोनों एक चट्टान से गिर जाते हैं और हुडुंदगी भाग गए और खराब रवि के परिवार तक पहुंचती है। खबर रवि के परिवार तक पहुंचती है दिव्या और विधवा और उदास काजल रवि की माँ लक्ष्मी देवी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा मोटरसाइकिल चलाने वाला एक सुंदर अमीर बेरोजगार और नेक दिल लड़का है, जो दोस्तों गलती से लक्ष्मी देवी को सड़क पर गिरा देता है। उसे अपने घर ले जाता है और इसी तरह उनकी मुलाकात काजल से होती है, जो दोस्तों काजल से प्यार हो जाता है और दोस्तों वह उसे जताने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों काजल उसकी बात को टाल देती है और बताती है कि वह पहले से ही शादीशुदा और विधवा है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के लिए अवस्थ्यारक का चिकित्सक होकर राज अपना सूट लेकर लौट आता है, लेकिन दोस्तों काजल उसकी प्रगति का विरोध करती रहती है और राजा के अमीर पिता रमाकांत को अपने बेटे का एक विधवा से शादी करने का विचार नापसंद किया है। वह दोस्तों काजल से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इसके बाद राजा अपने पिता से झगड़ा करता है और लक्ष्मी देवी से उसकी विधवा बहू से शादी करने की गुहार लगाता है। लक्ष्मी देवी ने काजल को राजा से शादी करने के लिए राजी किया और यह कहते हुए कि काजल के सामने एक लंबा जीवन है और उसकी कोई संतान नहीं है और लक्ष्मी देवी की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से अकेली हो जाएगी और आखिरकार काजल ने अपनी सास के कहने पर दूसरी शादी स्वीकार कर ली है। राजा की आदमी सगाई की खबर उसके पिता के लिए आखिरी दिन का है और जो बिना किसी देरी के उसे बाहर निकाल लेता है। राज को अब नौकरी की तलाश करनी है और उसके दोस्त उसके साथ एक गैरेज खोलते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोस्तों उसके साथ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। काजल देखने के लिए दौड़ती है और उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है।
उन्होंने ने फिल्म को अपने प्रोडक्शन बैनर बैंक आर्टस के तहत बनाने का फैसला किया था। Rediff.com के दिए गए साक्षात्कार में राजकौर, जिन्होंने दोस्तों पहले मिस्टर इंडिया 1987 और घायल 1990 जैसे फिल्मों में शेखर कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, लेकिन दोस्तों उसने खुलासा किया कि दीवाना को निर्देशित करने के लिए धनोआ ने उनसे संपर्क किया था। उनके निर्देशन की पहली फिल्म ललित कपूर और राजू कठोरी ने धनवाओं के साथ फिल्म का सह निर्माण किया था। ऋषि कपूर अनुबंधित होने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन दोस्तों वह कवर की पहली पसंद थे। 1 मिलियन यानी US 13,000 का प्रशिक्षण किया था। नायिका के रूप में माधुरी दीक्षित राजकौर की पहली पसंद थी, लेकिन दोस्तों उनकी उपलब्धता और तारीखों की कमी के कारण गुड्डू और धनोआ के दोस्त और पूर्व मैनेजर जतिन राजगुरु की सिफारिश पर दिव्या भारती को चुना गया था। धनोआ ने भारती को समय की पाबंद कहकर संबोधित कर दिया था। कहा कि दोस्तों एक बार उन्होंने अपने कार से उतरने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दोस्तों वह शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कवर के मन में कई अभिनेता थे, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ में अरमान कोहली और सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे। लेकिन दोस्तों कोहली ने इसके लिए कुछ दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी 1992 के सेट पर उन्होंने उनके और शबनम कपूर, ललित कपूर की पत्नी फिल्म के निर्माताओं में से एक है। इसी बीच दोस्तों क्रक फैमिली का हवाला देते हुए उन्होंने शूटिंग करने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान जो उस समय एक उतरते हुए कलाकार थे और वो अंत चुना गया था। कंवर को सर्कस और दिल दरिया में उनका अभिनय पसंद आया और इस तरह उन्होंने निर्माताओं को अपना नाम सुझाया और उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन 1992 की अपनी पूर्व प्रतिबिंबताओं के साथ फिल्म में काम किया था। यह उनकी दूसरी फिल्म थी जो दोस्तों उनकी पहली फिल्म थी और यह उन्होंने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की थी। मुख्य फोटोग्राफी मुंबई और ऊटी में और उसके आसपास हुई, जिसका संचालन हरमित सिंह ने किया था। BS तरुण कुमार और कोरियोग्राफर थे, जबकि दोस्तों राम सेठी और हरीश सेठी एक्शन निर्देशक थे। लिन्ना दारू ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया था और गाने ऊटी के विभिन्न स्थानों पर फिल्माए गए थे। जैसे दोस्तों का बाट निकल गार्डन और ऊटी झील 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसका संपादन ए मुथु द्वारा किया गया था। फिल्म दीवाना की साउंडट्रैक एल्बम में नदीम सरवन नामक का एक जोड़ी रचित था, लेकिन दोस्तों 7 गाने हैं, समीर ने गीत लिखे हैं और कुमार सानू जो कि कपूर के लिए गायन और साधना सरगम अलका यानिक दोनों भारतीय के लिए गायक हैं। जो दोस्तों विनोद राठौर खान के लिए गायन ने गायक किया था और इस एल्बम की 7 मिलियन से 8 मिलियन की यूनिट्स के बीच बिक्री हुई थी, जिसे दोस्तों यह 1992 का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम बन गया था। फ्लैटनेट बॉलीवुड द्वारा संकालित सभी समय के 100 महानतम बॉलीवुड और साउंडट्रैक की सूची में
हैशटैग यानी नासिर था, लेकिन दोस्तों न्यूज़ 18 ने ऐसी दीवानगी को दिव्या भारती के 5 यादगार गाने में से एक के रूप में शामिल किया गया था। और दोस्तों इसने उनकी उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने लोगों को उनकी धुन के साथ साथ उनका दीवाना बना दिया है। उनके साथ साथ दोस्तों उसे सहज सुंदरता भी शाहरुख खान के साथ आकर्षक अनएक्सीलेंट केमिस्ट्री ने एक फैक्टर्स को कई गुना बढ़ा दिया है। और दोस्तों इसे एक आनंददायक घड़ी बना दिया और रेडिफ ने इसे 10 अद्वितीय नदीम सरवन गीतों में सूची किया गया है। यह फिल्म दोस्तों 25 जून 1992 को रिलीज हुई थी और इसे द पावर ऑफ लव टैगलाइन के साथ प्रचारित किया गया था। जबकि दोस्तों निर्देशक राज कौर की वितरकों के साथ फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में भाग लेने गए और तो थिएटर को खाली देखकर वह चौंक गए थे। लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने पाया कि इसमें ज़्यादातर कॉलेज के बच्चे शामिल थे और जिसे दोस्तों यह सुनिश्चित हो और उभरी फिल्म व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस पर इसके अनुसार इसने दुनिया भर में 140 मिलियन यानी US 1.8 मिलियन की सफल संग्रह किया था। और दोस्तों बन गई साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म, केवल दोस्तों बीटा से आगे इसे 2020 की अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। रिलीज होने पर फिल्म दीवाना को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें दोस्तों इसकी सिनेमेटोग्राफी, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर भारती और खान के प्रमुख प्रशंसक शामिल है। निकहत और कांजी ने 28 जून 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में फिल्म की समीक्षा प्रकाशित की थी, जिसमें दोस्तों लिखा था कि खान की भूमिका घेसी पीटी है, लेकिन दोस्तों वह एक नए जोश के साथ इसकी व्यवस्था करने में सक्षम थे। यह एक युवा व्यक्ति की पारंपरिक भूमिका में हवा की तरह उड़ते हैं और प्यार से ग्रस्त, क्रोधित, घृणित, कोमल, परिपक्व और बचकानी विद्रोही दीवाना एक नए प्रतिभा के आगमन का प्रतीक है। 31 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेखक की सिनेमेटोग्राफी और गाने को प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी की आलोचना की और जिसे उन्होंने नियमित मेलोड्रामा से अधिक कुछ नहीं है। कहा गया कि लेखक ने कहा कि भारती की भूमिका सुंदर लेकिन दोस्तों पतली थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि खान की काफ़ी प्रभावशाली और एक पारंपरिक भूमिका में कुछ जान डाल देते हैं। तो दोस्तों एक साक्षात्कार में फिल्म की स्वयं और समीक्षा करते हुए खान ने कहा कि फिल्म का उनका प्रदर्शन भयानक, जोरदार और अश्लील और नियंत्रित था, लेकिन दोस्तों उन्होंने भयानक रूप से ओवर एक्टिंग की थी। उनके अनुसार फिल्म की सफलता में उनका कोई योगदान नहीं है और उन्होंने इसके लिए नदीम सरवन के संगीत को श्रेय दिया है। साथ ही दोस्तों कपूर और भारती के अभिनय की भी प्रशंसा की थी। हालांकि दोस्तों आधुनिक फिल्म समीक्षकों ने दीवाना की सराहना की और 2007 में लेखिका का अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को कच्चा और मेलोड्रामेटिक काम बताया था, जिसमें दोस्तों खान का प्रदर्शन उतना ही जोरदार था और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति स्थापित किया था। फिल्मफेयर के रक्षित गुप्ता ने कहा कि दिव्या ऋषि कपूर के साथ स्क्रीनिंग स्पेस
साझा करने में सहज लग रही है। उन्होंने दोस्तों शाहरुख खान की उम्मत और तीव्रता की भावना से भी मेल खाया और वह नुकसान से जूझ रही महिला का किरदार निभाने में बिल्कुल फिट बैठती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म दीवाना जो कि दोस्तों यह फिल्म काफी जबरदस्त बनी है, जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों काफी पसंद किए थे। दीवाना प्रेम की केंद्रित आधारित राज कौर की दिव्या भारती की भूमिका की तुलना अपनी अन्य फिल्मों जैसे लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996 और जुदाई 1997 में महिला भूमिकाओं में करते हुए देखा गया था। मजबूत महिला पत्र और या तो महिलाओं की दुर्दशा को चित्रित करते हैं और संबंधित अभिनेत्रियों की अभिनेता अभिनय क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म में खान के चरित्र के माध्यम से यह फिल्म भी दिखाया गया था कि दोस्तों प्यार में रहते हुए व्यक्ति कैसे जुनूनी हो जाते हैं और उन्होंने स्वयं इस बारे में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में एक फिल्म से मिले एक सबक के रूप में बात थी और दोस्तों थीमानंद उपाधि प्राप्त करने के लिए कई आलोचकों ने ऋषि कपूर की भूमिका की तुलना चांदनी 1989 से की थी, क्योंकि दोस्तों दोनों फिल्म में उन्होंने बलिदान देने वाले पति के रूप में चित्रित किया था। लेकिन दोस्तों दीवाना को विधवा और पुनर्विवाहित से सामाजिक कलंक पर आधारित सबसे शुरुआती भारतीय फिल्म में से एक माना जाता है। वही दोस्तों नदीम सरवन की जोड़ी द्वारा रचित फिल्म संगीत मोटिव पैटेनिक सफलता बन गया था और दिव्या भारती के प्रदर्शन को आलोचनात्मक सराहना मिली थी। फिल्म का शीर्षक उसका पायर बन गया था और यह फिल्म शाहरुख खान की पहली फिल्म होने के कारण भी उल्लेखनीय है। फिल्म के दूसरे भाग में सीमित स्क्रीनिंग उपस्थिति के बावजूद एक जुनूनी प्रेम के उनकी चित्रण ने उन्हें कैरियर में एक बड़ी सफलता दिलाई है। उन पर दोस्तों फिल्माया गया कोई न कोई चाहिए धीरे धीरे लोकप्रियता हो गए थे। अशोक राज ने अपनी भूमिका का वर्णन एक छोटे शहर में आम आदमी के रूप में किया गया था, जो दोस्तों एक समुद्र जीवन शैली तक पहुंच पाने के लिए एक अमीर विधवा का पीछा करता है। इसके दोस्तों अतिरिक्त दीवाना को कई सूचियों में शामिल किया गया था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता दीवाना मूवी में अभिनेता ऋषि कपूर अभिनेत्री दिव्या भारती की जोड़ी दोस्तों काफी जच रही है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म की कथानक यानी दोस्तों एक खूबसूरत युवा महिला काजल को एक अमीर और सुंदर आदमी रवि से प्यार हो जाता है। उन्होंने रवि की माँ लक्ष्मी देवी के पुनः आशीर्वाद से खुशी खुशी शादी कर ली और रवि के लालची चाचा धर्मेंद्र और चचेरा भाई नगेंद्र यह सुनकर निराश हो गए थे, क्योंकि दोस्तों रवि के बाद परिवार की विशाल संपत्ति पाने की कतार में धर्मेंद्र ने रवि का हत्या के लिए गुंडों को काम पर लाया गया था। गुंडों ने नरेंद्र के साथ मिलकर रवि का हत्या करने की कोशिश की और संघर्ष में क्या होता है कि यह रवि अपने चचेरे भाई नगेंद्र को मारने में कामयाब हो जाता है और दोस्तों सामान्य भ्रम में वो दोनों एक चट्टान से गिर जाते हैं और हुडुंदगी भाग गए और खराब रवि के परिवार तक पहुंचती है। खबर रवि के परिवार तक पहुंचती है दिव्या और विधवा और उदास काजल रवि की माँ लक्ष्मी देवी के साथ दूसरे शहर चली जाती है।
राजा मोटरसाइकिल चलाने वाला एक सुंदर अमीर बेरोजगार और नेक दिल लड़का है जो दोस्तों गलती से लक्ष्मी देवी को सड़क पर गिरा देता है। उसे अपने घर ले जाता है और इसी तरह उनकी मुलाकात काजल से होती है जो दोस्तों काजल से प्यार हो जाता है और दोस्तों वह उसे जताने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों काजल उसकी बात को टाल देती है और बताती है कि वह पहले से ही शादीशुदा और विधवा है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के लिए अवस्थारक का चिंतित होकर राज अपना सूट लेकर लौट आता है। लेकिन दोस्तों काजल उसकी प्रगति का विरोध करती रहती है और राजा के अमीर पिता रमाकांत को अपने बेटे का एक विधवा से शादी करने का विचार नापसंद किया है। वह दोस्तों काजल से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इसके बाद राजा अपने पिता से झगड़ा करता है और लक्ष्मी देवी से उसकी विधवा बहू से शादी करने की गुहार लगाता है। लक्ष्मी देवी ने काजल को राजा से शादी करने के लिए राजी किया और यह कहते हुए कि काजल के सामने एक लंबा जीवन है और उसकी कोई संतान नहीं है और लक्ष्मी देवी की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से अकेली हो जाएगी और आखिरकार काजल ने अपनी सास के कहने पर दूसरी शादी स्वीकार कर ली है। राजा की आदमी सगाई की खबर उसके पिता के लिए आखिरी दिन का है और जो बिना किसी देरी के उसे बाहर निकाल लेता है। राज को अब नौकरी की तलाश करनी है और उसके दोस्त उसके साथ एक गैरेज खोलते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोस्तों उसके साथ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। काजल देखने के लिए दौड़ती है और उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है। वह दोस्तों एक दूसरे के प्रति अपारंपरिक स्नेह के साथ एक नया चरण शुरू कर देता है। राजा को स्पष्ट रूप से बहुत दुर्घटना ग्रस्त से एक आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है जो दोस्तों दुर्घटना से दूसरे छोर पर मौजूदा व्यक्ति राजा का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। राजा को काम ही पता किया और वह यह आदमी को कोई नहीं बल्कि दोस्तों काजल का विवाहित पति और लक्ष्मी देवी का बहुत सुकाबुल बेटा रवि है। दोस्तों राजा रवि को काजल से मिलवाया और तो यह जानकर चौंक जाती है कि रवि धर्मेंद्र की हत्या के प्रयास में बच गई और हाल ही दोस्तों यह राजा के साथ रहती है। लेकिन दोस्तों धर्मेंद्र को रवि के बारे में पता चला और वह काजल और राजा का अपहरण कर लेता है और दोस्तों बदले में रवि को संपत्ति की मांग करता है। राजा भाग जाता है। रवि के साथ मिलकर धर्मेंद्र की पिटाई करता है। वह केवल को उसके चारों ओर एक एल्बम से बंधा हुआ आते हैं और रवि इसे बंद करने में सफल हो जाता है। धर्मेंद्र राजा को मारने के लिए भी लौटता है और रवि ने उसे धक्का दिया और बम फोड़ दिया था जिसे दोस्तों एक बड़ा विस्फोट हुआ और दोनों की मौत हो गई। रवि के बलिदान का सामना होने के बाद राजा को काजल हमेशा खुशी से रहते हैं। वही दोस्तों बात है फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता ऋषि कपूर जो कि दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है, निर्देशक निर्माता थे जिन्होंने दोस्तों हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अपने 50 साल के करियर में उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और चार फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है।
ऋषि कपूर ने दोस्तों अपने अभिनय करियर की शुरुआत यानी दोस्तों अपने अभिनय करियर की शुरुआत लगभग 3 साल की उम्र से कपूर ने अपनी पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति के अपने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका में निभाई थी, जहां दोस्तों वह प्यार हुआ इकरार हुआ के संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी संगीत लहर राजा कपूर और उस फिल्म का निर्देशक करेंगे जिसमें दोस्तों ऋषि को उनकी पहली भूमिका मिली थी। 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र और राज कपूर द्वारा अभिनेती के युवा संस्करण को चित्रित करेंगे। लेकिन दोस्तों ऋषि कपूर की पहली प्रमुख का भूमिका व्यवस्था में डिंपल कपाड़िया के साथ 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बावी में आई, जिसका निर्देशक भी उनके पिता किया था। बावी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई थी और दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी, लेकिन दोस्तों यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म दोस्तों वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर्ज चुकाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों पतंजलि वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे और दोस्तों उनके पास राकेश खन्ना राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी 1973 के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया था जिसमें दोस्तों शामिल है खेल खेल में 1975 और नीतू सिन्हा के साथ रफू चक्कर 1975, अमर अकबर एंथोनी 1977 और अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं 1977 में काम किया था। दोस्तों 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जोबा बख्तियार के साथ हेना में अभिनय किया था, जो दोस्तों राष्ट्रीय समीक्षाओं के प्रारंभ प्रेम की कहानी थी जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर किससे की थी। इसका निर्देशक और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर किया था। लेकिन दोस्तों कपूर ने 1993 की फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसमें दोस्तों मीनाक्षी सरदेश और सोनी देओल सब कलाकार थे, जिसमें दोस्तों क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था और 1977 और सन 2000 के बीच के कपूर के अन्य फिल्मों की भूमिका मुख्य रूप से रोमांटिक लीड के रूप में शामिल किया गया था। राजा 1975, लैला मजनू 1976, सरगम 1979 और बड़े दिल वाला 1983, बोल राधा बोल 1992, दीवाना 1992 और कारोबार सन 2000 और कपूर ने आ अब लौट चले 1999 जैसे निर्देशक के रूप में शुरुआत किया था, जिसमें दोस्तों राजेश खन्ना अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय भी अभिनय किया था। यह उनका एकमात्र निर्देशक उद्यम फिल्म रहा था। ऋषि कपूर ने सन 2000 के दशक के माध्यम से चरित्र में अभिनय की सफलतापूर्वक परिवर्तन किया था और कई सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, जैसे कि दोस्तों हम तुम 2004, फन्ना 2006, नमस्ते लंदन 2007 और लव आजकल 2007 में वह ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में डोंट स्टॉप और ड्रीमिंग को साइबर सलसा में दिखाई दिए थे। 2010 के दशक में उन्होंने अग्निपथ 2012 और ऑरेंज गैसेप 2013, कच्ची उन 2014 खलनायक जैसी विधि
खलनायक जैसी विविध भूमिका निभाई है। यह युवा पीढ़ी के रोमांस में एक समलैंगिक डीन और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में एक एक्शन थ्रिलर दी डे 2013 वास्तविक जीवन का डकैत उदाउत ब्राहिम वह पहली बार अपनी भाई रणबीर अपने रणधीर के साथ मॉडी स्टार की भूमिका कॉमेडियन हाउसफुल 2 2012 में दिखाई दिए थे। उन्होंने दोस्तों 2-4 2010 में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। लेकिन दोस्तों जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था जिसमें अपनी उन्होंने पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन्स 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाए हैं।